मैंने जब मेरे को गाड़ी लेनी थी तो डिसाइड हुआ कि जब हम गाड़ी लेंगे तो हम मैं हमेशा सोचता था कि यार BMW तो लेंगे, BMW लेंगे, सोचता था हमेशा से। तो डिसाइड हुआ कि BMW 5 सीरीज लेंगे। तो तभी आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता था? पता था। अच्छा, हाँ। तो जब आपको पता होता है, लेकिन आप वो कहते हैं ना कि अनकॉन्शियसली आप कहीं पर हल्का सा चूक भी जाते हो, हाँ। और फिर आपको कुछ और मिलता है तो कैसे मिलता है। तो BMW 5 सीरीज लेनी थी और अट्रैक्ट किया उसको, बुकिंग कर दी BMW 5 सीरीज की। लेकिन उस दौरान जब ये रिसर्च और सर्च चल रही थी, मर्सिडीज की भी टेस्ट ड्राइव ली गई। और मर्सिडीज की टेस्ट ड्राइव सिर्फ ऐसी ली गई थी कि ले लेते हैं, लेनी तो वही है, ठीक है। मर्सिडीज की टेस्ट ड्राइव ली तो मर्सिडीज वालों ने मुझे उसकी बुकलेट दी थी। उसका एक फोटो मुझे बहुत पसंद आया, उसमें से मैंने काटा। और मेरे घर में विजन बोर्ड है, विजन बोर्ड, विजन बोर्ड एक टूल है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, हम बात करेंगे। तो मैंने ना उसके ऊपर उसको काट के ऐसे अटका दिया, मतलब ऐसे होता है जैसे छोटा सा कॉर्नर बच जाता है, अटका दिया उसको। अब वो वहीं पर है, बेड के बिल्कुल सामने। अब मैं कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली मैं रोज देख रहा हूँ उसको। पैसा जा चुका है BMW का, डिलीवरी 2 महीने बाद की थी। कुछ तो चेंज हुआ डिलीवरी में और हम वी एंडेड अप getting Mercedes E220। तो उस वक्त मैंने बहुत सोचा, जब आ गई enjoy कर रही थी, यार ये गाड़ी आ गई यार, ये वो, तो और ये काफ़ी साल पहले की बात है। तो बड़ा enjoy किया, गाड़ी आ गई। लेकिन कुछ दिनों बाद जब गाड़ी से ध्यान हटा, मैंने विजन बोर्ड को बहुत ध्यान से देखा और मैंने देखा कि कोने पे टंगा हुआ है Mercedes की फोटो। तब मैंने अपनी वाइफ को बोला कि देखो एक्चुअली हमने अट्रैक्ट इसको किया। तो लाइफ में ये इतना ज्यादा काम करती है कि आप लाइफ में सोचते हो, लेकिन आप ना लाइफ में, जैसे मैंने बोला, और जहां वाइब्रेशन मैच होगा वही आएगा, वही आएगा। करेक्ट। मैं रोज उसी को देख रहा हूँ, मैं रोज मर्सिडीज देख रहा हूँ। पैसा दिया है BMW के लिए क्योंकि सुना था, ये था, रफ्तार है, स्पीड है, लोगो है, ये क्या है, बहुत कुछ सुना था, दिया है पैसा। लेकिन जो अट्रैक्ट किया वो मर्सिडीज ही किया था, क्योंकि रोज देख रहे हैं, सुबह रोज देख रहे हैं। 3 या 4 महीने था वो फोटो और उसमें मर्सिडीज